एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का काम चल रहा है। अभी झाड़ू पोछा हो गया है। अभी नहीं झाड़ू हुआ है, मेरा पोछा नहीं हुआ है। और तो इसी बीच मैं बना रही थी भरवा करेले, तो मैंने सोचा आप लोग को मैं बता दूँ कैसे बनाती हूँ। मैं बनाती तो अच्छे हूँ, देखती देखो कैसे बनाती हूँ। ये करेले मैंने छील दिए हैं, ये मैंने कल ही छील दिए थे। एक्चुअली मेरे पास टाइम था नहीं, कल बहुत फ्री थी मैं, तो मैंने ये कल छील दिए हैं। और ये छीलने के बाद ये मैंने इसका रखा हुआ बैटर रखा है छिला हुआ। और यहाँ पे पानी गर्म करके मैं करेले डाली थी, तो सोचा चलो आप लोग को दिखा दूँ। एक गर्म पानी में बॉईल कर लूँगी मैं। ये छिल रखे हैं करेले, अंदर से साफ़ कर रखे हैं मैंने करेले इस तरीके से। ये साफ़ कर रखे हैं, ये बॉईल करने के लिए रख देंगे ऐसे। इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी मैं, ये नमक डाल देंगे ताकि बॉयल में हल्का हल्का नमक हो जाए। ये हो गया। अब मैं इससे आगे प्रोसेस आपको फिर दिखाती हूँ। वहाँ पर मेरे करेले बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पर मेरे गाने चल रहे हैं, और अब मैं करूँगी अपना काम। ये मेरे करेले उबल गए हैं, इनको मैं अलग से निकाल दूंगी। ये मैंने अलग से निकाल दिए हैं। ये मैंने दोस्तों मेरा बैटर रेडी हो गया है, इसको मैंने ठंडा करा था, ठंडा हो गया है। और ये है मेरे करेले, ये है मेरे उनका गोला। आप सोच रहे होंगे उनका गोला क्यों है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और क्या कहते हैं उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ बनने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कड़े के अंदर क्या डल रहा है, करेले, करेले के अंदर, करेले नहीं करेला, करेला के अंदर क्या ये क्या है, इसका बैटर है। इसे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कड़े के अंदर क्या डल रहा है, करेले, करेले के अंदर, करेले नहीं करेला, करेला के अंदर क्या ये क्या है, इसका बैटर है। ये देखिए मैंने भर के ऐसे रेडी कर दिया है। और इनको वो धागा जो लिया था मैंने इसलिए बांधने के लिए लिया था। और यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इनको सेकने के लिए इस तरीके से डाल दूंगी। ये देखिए इस तरीके से इनको डाल दीजिए। ऐसे डालने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए यूं। एक और बात लेडीजों के लिए, लेडीजे ज़्यादा टेस्टी मत बनाना, नहीं तो आपके हस्बैंड डेली कहेंगे बनाओ बनाओ, इसे कम कम टेस्टी बनाना। मैंने एक बार गलती से टेस्टी बना दिया था ना, तब से मेरे हस्बैंड करेले ले आते। तो ये हो गए मेरे करेले रेडी। आप भी तरीके से करेले बनाइएगा। आई होप आप लोग को सही लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।